नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज अ मास एम इज अटैच टू द एंड ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ एल द मास गोज राउंड अ वर्टिकल सर्कुलर पाथ विद द अदर एंड हिंज एट द सेंटर सवाल है वर्ड शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द मास एट द बॉटम ऑफ द सर्कल सो दैट द मास कम्प्लीट द वर्टिकल सर्कल ना यहाँ स्टूडेंट्स इसको सवाल को पढ़ते हैं और फटाफट उसका आंसर फाइव जी एल मार्क कर देते हैं फाइव जी एल विल नॉट बी द राइट आंसर इस केस में ठीक है स्नैरियो का फर्क समझेंगे सो so, सिनेरियो यह है इस बार कि आपकी रॉड है स्ट्रिंग नहीं ठीक है स्ट्रिंग के केस में हमारी क्योंकि रास्ते में हम ये चाहते थे कि जो यहाँ पे यू मिनिमम हम प्रोवाइड करें उसकी वजह से रास्ते में टेंशन ज़ीरो ना हो जाए इसलिए हम उसको एक्स्ट्रा वेलोसिटी दे के भेजते थे इस केस में क्योंकि रॉड है तो टेंशन ज़ीरो नहीं होएगी यहाँ पे हम सीधा एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं सो so, यहाँ पे आपको टेंशन जीरो लेना टेंशन जीरो रास्ते में ज़ीरो ना हो इसकी कंडीशन करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज रॉड है ठीक है सो यहाँ पे बस हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे इनिशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी बिकॉज यहाँ पे वर्क डन बाय आपका कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज वर्क डन बाय बाडो फोर्सेज एंड वर्क डन बाय आपका एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो आपकी एनर्जी कंजर्व हो जाएगी लेट्स से इस एरिया को हमने जी पी ई इक्वल टू ज़ीरो कहा है ये आपकी लेंथ है ये आपकी लेंथ है तो यहाँ आर्टिकल की जब इनिशियल एनर्जी लिखेंगे सो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो कानीटिक एनर्जी हुई आपकी हाफ एम यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू जब वो पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे एम जी मल्टीप्लाइड बाई टू एल प्लस यहाँ पे कानीटिक यह एनर्जी आपकी ज़ीरो होगी जस्ट सफिशंट एनर्जी देके भेजें कि यहाँ पे वी की वैल्यू ज़ीरो हो जाए ठीक है सो आपने मिनिमम ये वेलोसिटी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है राइट right? तो इस इक्वेशन में आपका एम कैंसिल हो जाएगा सो यू मिनिमम जो है स्क्वायर दैट विल बी टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं एम कैंसिल हो गया विल बी इक्वल टू फोर जी एल विच एम्प्लाईज आपकी वी मिनिमम जो है या यू मिनिमम जो आप नीचे देखे भेज रहे हैं वेलोसिटी या स्पीड दैट विल बी अंडर रूट फोर जी एल सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर वन वुड बी द राइट आंसर अंडर रूट फाइव जी एल तब आता है जब ये स्ट्रिंग होती है ये चीज़ ध्यान रखना राइट आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया